हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि जब भी हम सेल एंट्री करते हैं और सेल एंट्री के टाइम पे जो है कर्जर हमारा डिस्काउंट पे या रेट पे जो है होल्ड नहीं होता। जैसे कि मैं इस केस में दिखाऊं आपको इस तरीके से, अगर हमें इसमें कोई डिस्काउंट अप्लाई करना है या रेट चेंज करना है तो हमें कर्जर को ऊपर ले जाके उसके बाद 4 से 5 एंटर करने के बाद यहाँ पे कर्जर हमारा आता है। तो अब हम क्या करें कि ये हर जगह पे रुके या कुछ स्पेसिफिक लोकेशन पे रुके, तो इसके लिए क्या करना है। तो दोस्तों बने रहे मेरे इस वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको और भी मिलती रहे। पेड सर्विसेज लेनी है या सॉफ्टवेयर बाय करना है तो दिए गए नंबर पे हमारे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले मास्टर के मेनू में आना है, मार्क सेटअप और कंट्रोल रूम पे आपको एंटर करना है और सर्च इन ऑल पे एंटर करना है। जो आप ये देख पा रहे हैं सबसे पहला ऑप्शन है सर्च इन ऑल, यहाँ पे आपको एंटर करना है और यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको टाइप करना है। जैसे कि मैंने एंटर किया और टाइप किया वेट, आपको WAIT वेट पे वेट टाइप करके एंटर करना है और इसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पे दूसरे स्लैब की जो लाइन्स है इसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये देखिए, अगर यहाँ अभी जो यहाँ पे हो रखा है वो हो रखा है 3, कि सिर्फ और सिर्फ ये क्वांटिटी पे ही आपका कर्जर रुकेगा। और अगर आप चाहते हैं कि क्वांटिटी पे भी रुके और फ्री जो आपको देना उस पर भी रुके तो 4 करना पड़ेगा इसके लिए। और आप चाहते हैं कि जो कर्जर है मेरा, कर्जर क्वांटिटी के बाद सीधा डिस्काउंट और टैक्स पे रुके तो 2 करना पड़ेगा आपको। और आप चाहते हैं कि जो आपका कर्जर है वो क्वांटिटी पे भी रुके, रेट पर भी रुके, डिस्काउंट्स पे भी रुके, तो जितने भी आपके ऑप्शन इनेबल है उस टाइम पर और हर जो आपके पैटर्न कर्जर है वहां पे हर लोकेशन पे रुके तो आपको करना पड़ेगा 1 का मतलब ऑल है। अब देखिए मैं इसको करता हूँ 1 और उसके बाद स्केप करके इसे यस करें और उसके बाद इसे ओके करें। अब देखिए अब हम बनाते हैं बिल, तो मैंने एंटर किया, लेजर सेलेक्ट किया, उसके बाद ये आइटम मुझे सेल करना, मैंने एंटर किया एंटर। अब देखिए ये मेरा जो है क्वांटिटी के कर्जर पर भी रुक रहा है कि मुझे क्वांटिटी जैसे 2 बेचनी है, फ्री पर भी ये रुक रहा है कि मुझे फ्री कितने देने, रेट पर भी ये रुक रहा है कि रेट मुझे इसका जो भी देना है मैंने रेट डाल दिए, और उसके बाद मुझे डिस्काउंट क्या देना है मैंने डिस्काउंट डाल दिया, मुझे टैक्स क्या लगाना है इसके ऊपर टैक्स लगा दिया। तो इस तरीके से देखिए हर टाइम पर ये कर्जर रुक रहा है और आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इतना नहीं रुकवाना, मेरी क्वांटिटी के बाद ये सीधा डिस्काउंट पे रुके, तो आप सीधा सेम लोकेशन पे जाएंगे, मास्टर में मार्क सेटअप और कंट्रोल रूम पे सर्च इन ऑल पे एंटर करेंगे वेट और उसके बाद एंटर करके एक्सेप्ट और यहाँ पे आप लेंगे इस बार 2 क्वांटिटी के बाद ये कर्जर फिर आपका रुकेगा डिस्काउंट पे और टैक्स पे, तो मैंने 2 कर दिया। स्किप स्किप करके से यस करें और उसके बाद अब आप बिलिंग बनाएंगे। तो ये देखिए अब मैंने एंटर किया तो ये क्वांटिटी पे रुका, पहले तो मेरे को 2 क्वांटिटी बेचनी, उसके बाद एंटर किया तो ये देखिए एंटर करके कर्जर आपका जंप हो गया सीधा सीधा डिस्काउंट पे, तो मैंने यहाँ पे डिस्काउंट डाल दिया, उसके बाद मैंने इसका टैक्स डाल दिया और एंटर कर दिया। तो देख तो यहाँ पे क्या है 2 ही जगह पे ये जंप हुआ। तो दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि आपको क्या इसके अंदर नीड है, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि मुझे सभी चाहिए तो 1 कर दो, मुझे सिर्फ डिस्काउंट और टैक्स पे कर्जर होल्ड कराना है तो 2 कर दो, और मुझे सिर्फ क्वांटिटी पे होल्ड कराना है तो 3 कर दो, क्वांटिटी प्लस फ्री पे कराना है तो आपको 4 करना पड़ेगा। तो इनके थ्रू आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप सेट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आप समझ पाए होंगे कि कैसे आपको ये करना है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपका रह जाए तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको और भी मिलती रहे। और सॉफ्टवेयर की पेड सर्विसेज लेनी हो या बाय करना हो या कस्टमाइजेशन करानी हो तो दिए गए नंबर पे हमारे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।